अगर आप सच में बालों को तेजी से लंबा और घना करना चाहते हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको उपाय या तरीका बताने वाला हूं, वो बहुत ही कारगर है और इसे लगभग तीन से चार लाख लोगों के ऊपर उपयोग किया गया है और उसमें रिजल्ट भी देखा गया है तो दोस्तों अंत तक वीडियो को देखिएगा दोस्तों अक्सर लड़कियों और महिलाओं में बाल लंबे कैसे करें क्योंकि बाल ही हैं जो हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं बालों को तेजी से लंबा करना इतना आसान नहीं होता है लेकिन हम जो बाल लंबे करने के उपाय बता रहे हैं मुझसे हंड्रेड परसेंट गारंटी है कि बाल बहुत तेजी से लंबे हो जाएंगे चमत्कार बाल लंबे होंगे और जो आपके बाल बहुत ही छोटे छोटे थे वह भी अब लंबे हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों हर किसी को लंबे बाल ही पसंद होते हैं लेकिन आज का हर कोई बालों के झड़ने की समस्याओं से परेशान है हर लड़की और महिला की चाहत होती है कि उसके बाल सबसे ज्यादा लंबे और घने हो लेकिन आजकल प्रदूषण के बढ़ते स्तर और तनावर जिंदगी में यह चाहत अधूरी रह जाती है तनाव के कारण भी महिलाओं में बालों की झड़ने की शिकायतें आ गई हैं इसलिए आज हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूट जाए और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें इससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी मिल सके तो दोस्तों सबसे पहला एलोवेरा एलोवेरा का इस्तेमाल करना तो सभी लोग आता है लेकिन आज हम आपको एलोवेरा का इस्तेमाल करना ऐसे बताएंगे जिसे जानने के बाद आपके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले हैं एलोवेरा में काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों को मजबूत एवं शम, जो चमत्कार है वो बनाए रखने में बहुत ही मदद करते हैं एलो इसके लिए एलोवेरा को काट कर इसके पत्ती के अंदर का जेल निकाल लें और उसे अच्छे से धोकर बालों में लगाएं अब तो जेल को आधे घंटे तक बालों में रहने दें उसके बाद किसी मालिश सैंपल से या जो आपके लिए हर्बल सैंपल हो उसी सैंपल से बालों को धो लें अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप मार्केट में मिलने वाली एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एलोवेरा जेल का खरीदने का लिंक जो है वो मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं दोस्तों नंबर दो प्याज दोस्तों प्याज यह बहुत ही अच्छा नुस्खा है बस तरीका आपको आना चाहिए आप हमेशा से ही इसे सलाद और खाने के रूप में प्रयोग करते आ रहे होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका रस बालों को झड़ने से बचाने के साथ साथ उसके जड़ों को मजबूत प्रदान करता है इसकी रस में बालों के संक्रमण को रोकने वाला बैक्टीरियल गुण मजबूत होता है और जो बालों को पतला होने से बचाता है इसके लिए प्याज को बारीक काट कर या कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें अब इस रस को रूई की मदद से अपने बालों के जलों में लगाएं आधा घंटा तक इस रस को बालों में लगा रहने दें सोबर कैप या किसी स्कार्प से अपने बालों को बांध लें अब आधा घंटा बाद बालों को किसी नेचुरल शैम्पू से धो लें इस नुस्खे को हफ्ते में एक से एक बार या दो बार जरूर करें दोस्तों यह उपाय और यह कारगर नुस्खा आपके लिए जरूर कारगर साबित होगा नंबर तीन की बात करें आंवला करस वैसे इस उपाय को कम लोग ही जानते हैं लेकिन यह उपाय बहुत ही आसान है आंवला में विटामिन सी का भंडार है इसका इस्तेमाल बालों के साथ ही आंखों की रोशनी में भी फायदा पहुंचाता है इसलिए सिर में इसका प्रयोग करने के लिए आंवला पाउडर और नींबू के रस को बराबर भागों में मिला लें अब इस मिश्रण को बालों पर लगाना शुरू करें अब अपने बालों को गुनगुने पानी से धोकर सुलखा लें नंबर चार कद्दू के बीज यह तरीका आपको नया लग रहा होगा लेकिन है बहुत कारगर